बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अमरीकी आवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कायद आजम को खराज तहसीन पेश किया और मज़ार कायद की खूबसूरती की तारीफ़ की। उनका कहना था कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से उन्हें कराची में तैनात किया गया है। अमरीका और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश है। आपको बता रहे हैं कि अमरीकी कौंसल जनरल की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह को खराज तहसीन पेश किया। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। अमरीकी आवाम की जानिब से मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कायद आज़म को खराज तहसीन पेश किया और मज़ार कायद की खूबसूरती की तारीफ़ की। उनका कहना था कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से उन्हें कराची में तैनात किया गया है। अमरीका और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं जिन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश है।